देखिए फ्रेंड्स, हम ये गोपाल बिना श्रृंगार के लेके आए हैं। आप श्रृंगार करा हुआ भी मार्केट से लेकर के आ सकते हैं, और आप पेंट की जगह, जैसे हम घर में आप खुद स्वयं जो लाइनर इस्तेमाल करते हैं अच्छी क्वालिटी के, उनसे भी आप ये मेकअप कर सकते हैं। जैसे ये हमारा ब्लैक लाइनर है, इस तरह का पेंसिल जैसा पेन मार्कर वाला जो लाइनर आता है, जो मिल जाए हम वो ले सकते हैं। उनसे आराम से हम इनका श्रृंगार कर सकते हैं। तो ये मैंने इससे किए हुए हैं, और जब भी ये हल्का हो जाए तो हम आसानी से इससे फिर से इनके बाल और आईब्रो वगैरह सब बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं ये देखिए फ्रेंड्स लाइनर लाई हूँ। ये हमारा व्हाइट है, ये येलो है, ये पर्पल है, ये पिंक है। इस तरह से हम ये लाइनर से लड्डू गोपाल का श्रृंगार करेंगे, और मैं आपको श्रृंगार करके बताऊंगी कि इनसे भी कितने अच्छे लगते हैं हमारे लड्डू गोपाल। और जब चाहे आप इन्हें बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं, थोड़े से नींबू में थोड़ा सोडा डाल करके और रुई से रगड़कर बहुत अच्छे से आसानी से साफ हो जाते हैं। या फिर जब भी आपको लगे कि हमारे गोपाल का श्रृंगार थोड़ा हल्का हो गया है, तो हम इन्हें फिर से उसी जगह पे धीरे धीरे इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी से श्रृंगार कर सकते हैं। तो आइए अब हम श्रृंगार करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पिंक कलर से और येलो कलर से हमने आंखें बना दी हैं, और टीका लगा दिया है। टीका पहले हमने इसलिए लगाया है वाइट जो हमारा लाइनर है उससे, ताकि आईब्रो बनाने में हमें थोड़ी आसानी रहे, आईब्रो हम आसानी से सेट कर सकें। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, कि जब भी आप लड्डू गोपाल का श्रृंगार इस तरह से अच्छे से करने के लिए बैठें, तो लड्डू गोपाल से क्षमा पहले मांग लें कि हम आपका श्रृंगार करेंगे तो आपको तकलीफ हो, उसके लिए हमें क्षमा करें और आप खेलने के लिए चले जाएं, ताकि आपको तकलीफ कम हो और हम आसानी से इनका श्रृंगार कर पाएं। इस तरह से हम देखिए जो मार्कर वाला लाइनर है, बहुत ही आसानी से किस तरह से हमने इस पे आईब्रो बना लिए ब्लैक से। देखिए अब मैं यहाँ पे लड्डू पे येलो कलर कर रही हूँ। आप बहुत ही आसानी से हो जाएगा, और कभी भी जब भी हल्का हो ना, तो आप कभी भी इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने पर्पल कलर से हार बना दिया है। अब हार पे हम व्हाइट से इस तरह से मोती बना सकते हैं। लड्डू को हमने येलो कलर कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे, और उंगलियों पे भी हमने कलर कर दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये जो मार्कर है हमारा, इसी से गोपाल के अच्छे से बाल बनाएंगे और उनकी लटे बनाएंगे। आप देखिए हमने लड्डू तैयार कर दिया है। बाल जैसे घुंघराले बाल होते हैं ना हमारे गोपाल के, बस उसी तरह से मुंह पे हम लटे बना देंगे और बालों को भी काला कर देंगे अच्छे से। इस तरह से हम लड्डू गोपाल को बिना जो भी हम लगाते हैं उसके भी ड्रेस पहना करके मेकअप करके बिठा सकते हैं, कि बाल हमने मार्कर से बना लिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार पूरा हो गया है। आप अच्छे से चारों तरफ से देखिए, ये मैंने हाथ में फ्रेंड्स मोती के नजरिए पहनाए हैं। गोपाल हैं हमारे, बच्चों को नजर जल्दी लगती है, तो नजरिए जरूर पहनाने चाहिए। अगर नजरिए आपके गोपाल छोटे हों, तो आप काले और सफेद रंग से भी मोती बना करके नजरिए बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमने पैरों पे भी कितना सुंदर कलर कर दिया है, और आगे हाथ पे हमने बाजूबंद बना दिया है, और गले में हार, होठ आप चाहे तो अच्छी बड़ी सी स्माइल बनाते हुए और सुंदर से हमने होठ बना दिए हैं। तो ये देखिए हमारे गोपाल का श्रृंगार पूरा हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।